गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक स्वर ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। तो अपनी अपनी बुक निकालिए और एक्टिविटी बुक स्वर ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊँट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कुछ नहीं। व्यंजन स्वर किसको कहते हैं, जिनकी मात्राएं लगती हैं ये स्वर हैं, और व्यंजन जिन पे मात्राएं लगती हैं, जिनकी मात्राएं जिन पर लगती हैं। आपको मात्राएं पढ़ाई भी है ना, आ की ई की, तो ये स्वर हैं और इन पे लगती हैं, ठीक है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा से कुछ नहीं, च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया से कुछ नहीं, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली, या से यज्ञ, र से रथ, ला से लट्टू, व से वर्षा, श से शलजम, पेटा श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रमिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बिना मात्रा वाले शब्द। नल नल, रथ रथ, नल नल, रथ रथ, घर घर, जग जग, फल फल, मटर मटर। आ की मात्रा से, आ पे आ की मात्रा और म आम, ग ग पर आ की मात्रा, ज और र गाजर, ग ग पे आ की मात्रा या गाय, भ भ पे आ की मात्रा, ल ल पे आ की मात्रा भाला, क क पे आ की मात्रा का और र कार, त ता पे आ की मात्रा, ल ल पे आ की मात्रा ताला। अब ई की मात्रा, चा पर छोटी की मात्रा ची, इड़ा पर छोटी की मात्रा ड़ी, या पर आ की मात्रा या चिड़िया, ह ह पर छोटी की मात्रा ही र ना हिरन, क का पर छोटी की मात्रा की, सा पे आ की मात्रा सा और न किसान, त का पर छोटी की मात्रा की, या पे आ की मात्रा या तकिया, क का पर छोटी की मात्रा की, ता पे आ की मात्रा ता और ब किताब, ग ग पर छोटी की मात्रा गी, ला पे आ की मात्रा ला और स गिलास। बड़ी की मात्रा, हा पर आ की मात्रा हाथ, हा पर बड़ी की मात्रा थी हाथी, म छ ला पर बड़ी की मात्रा ली मछली, ब क रा पर बड़ी की मात्रा री बकरी, घ रा पर बड़ी की मात्रा ड़ी घड़ी, ल ड का पर बड़ी की मात्रा की लड़की, छ त रा पर बड़ी की मात्रा री छतरी। फिर छोटाओं की मात्रा, ध ना पर छोटाओं की मात्रा नु और शा धनुष, सा सा पर छोटा की मात्रा सु, रा पर आ की मात्रा रा, हा पर बड़ी की मात्रा ही सुराही, का पर छोटा की मात्रा कु, ता आधा ता, ता, ता पर आ की मात्रा कुत्ता, सा पर आ की मात्रा सा, बा पर छोटा की मात्रा बु न साबुन, ग ग पर छोटा की मात्रा गु, ला पे आ की मात्रा ला और ब गुलाब, ग ग पर छोटाओं की मात्रा गु, ड़ा पर छोटी की मात्रा ड़ी, या पे आ की मात्रा या गुड़िया। फिर बड़ाओं की मात्रा देखिए, ल
अदा ट टापर बड़ा की मात्रा टू, लट्टू क ब बड़ा की मात्रा बू, तर कबूतर, ह ला फ फा पर बड़ा की मात्रा फू और ला फूल, तर बा पर बड़ा की मात्रा बू और ज तरबूज, भा भा पर आ की मात्रा भा, ला पर बड़ा की मात्रा लू भालू, द म रा पर बड़ा की मात्रा रू डमरू। हो गया, तुमने पढ़ा दिया। अब चलिए हम रिटर्न वर्क करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका छोटा सॉरी बड़ा की मात्रा से शब्द। तो चलिए बोल बोल कर लिखते हैं, ये क्लास वर्क है आपका। तो शुरू करते हैं लिखना। द दा पर बड़ाओ की मात्रा और ध दूध, बोल बोल कर आपको लिखना है। ड ड पर आ की मात्रा, का पर बड़ाओ की मात्रा डाकू, सा पर बड़ाओ की मात्रा र अजा सूरज, फिर फ पर बड़ा उ की मात्रा ल, द पर आ की मात्रा और न फूल फूलदान। फिर लिखेंगे द द पर बड़ा उ की मात्रा और ध दूध, ड ड पर आ की मात्रा और क पर बड़ा उ की मात्रा डाकू, स पर बड़ा उ की मात्रा सू, र ज सूरज, फ पर बड़ा उ की मात्रा फूल फूल, द पर आ की मात्रा और न दान फूल दान। फिर लिखेंगे द द पर बड़ाओ की मात्रा दू और ध दूध, ड ड पर आ की मात्रा का पर बड़ाओ की मात्रा डाकू, सा पर बड़ाओ की मात्रा र और ज सूरज, फ पर बड़ा उ की मात्रा ल फूल, द पर आ की मात्रा और न दान फूल दान। द पर बड़ा उ की मात्रा दू और ध दूध, ड पर आ की मात्रा ड, का पर बड़ा उ की मात्रा कू डाकू, सा पर बड़ाओ की मात्रा सू र ज सूरज, फा पर बड़ाओ की मात्रा फू और ला फूल, द पर आ की मात्रा द और न दान फूल दान। फिर लिखेंगे द पर बड़ाओ की मात्रा दू और ध दूध, ड पर आ की मात्रा का पर बड़ा उ की मात्रा डाकू, सा पर बड़ा उ की मात्रा र और ज सूरज, फा पर बड़ा उ की मात्रा और ला फूल, द पर आ की मात्रा और न दान फूल दान। फिर लिखेंगे द पर बड़ा उ की मात्रा और ध दूध, ड पर आ की मात्रा और क पर बड़ा उ की मात्रा डाकू, सा पर बड़ा उ की मात्रा और र और ज सूरज, फ
फा पर बड़ा ओ की मात्रा और ला फूल, दा पर आ की मात्रा और ना दान फूलदान। फिर पढ़ेंगे द, दा पर बड़ा ओ की मात्रा और ध दूध, ड, द पर आ की मात्रा ड, का पर बड़ा ओ की मात्रा कु डाकू, स, सा पर बड़ा ओ की मात्रा सू, र और ज सूरज, फ, फा पर बड़ा ओ की मात्रा फू और ला फूल, दा पर आ की मात्रा दा और ना दान फूल दान। फिर लिखेंगे द, दा पर बड़ा ओ की मात्रा दू और ध दूध, ड, दा पर आ की मात्रा ड, का पर बड़ा ओ की मात्रा कू डाकू, स, सा पर बड़ा ओ की मात्रा सू, र, ज, सूरज, फ, फा पर बड़ा ओ की मात्रा फू, ला फूल और दा पर आ की मात्रा दा और ना दान फूल दान। फिर लिखेंगे लास्ट द, दा पर बड़ा ओ की मात्रा दू, ध दूध, डा पे आ की मात्रा डा, क, का पर बड़ा ओ की मात्रा कु डाकू, स, सा पर ऊ की मात्रा सू, र, जा सूरज, फ, फा पर बड़ा ओ की मात्रा फू, ला फूल, द पर आ की मात्रा द, ना दान फूल दान। हो गया, तो ये आपका बोल बोल कर पूरा लिख डालिएगा बड़ाओ की मात्रा से। ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है? तो क्लास वर्क आपका पूरा हो गया। दूध, डाकू, सूरज, फूलदान, इसी को बोल बोल कर पूरा आपको लाइन में लिखना है, ठीक है? तो ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 59 है आपका, ठीक है? 59 ये है, ठीक है? 59, तो ये आपका क्या है? क्लास वर्क है। तो क्लास वर्क आपका पेज नंबर 59 पे हो गया कंप्लीट। ओके, तो ये आपका हो गया। देख लीजिए कायदे से, इसी को बोल बोल कर पूरी कॉपी पे आपको करना है। तो ये आपका क्या हो गया? क्लास वर्क हो गया, ठीक है? बड़ाओ की मात्रा से। चलिए होमवर्क, तो होमवर्क पे ही आपका देखिए क्या है, बड़ाओ की मात्रा से ही है। क्या होमवर्क लिख लेंगे ऐसे? ये होमवर्क हो गया आपका, दा पर बड़ाओ की मात्रा दूध है दूध, जा पर बड़ाओ की मात्रा जू, ता पे आ की मात्रा ता जूता, आ पर आ की मात्रा आ, ला पर बड़ाओ की मात्रा लू आलू, म, या पर बड़ाओ की मात्रा यू और यूर मयूर, दूध, ठीक है? तो क्या है आपका? दूध, जूता, आलू, मयूर, इसी को गोल गोल कर आपको कॉपी में पूरे लिखना है, सॉरी बुक में पूरे लिखना है। ये पेज नंबर 60 है, 59 क्लास वर्क और 60 आपका क्या है? होमवर्क, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक मन लगा कुछ अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, पढ़िए। जो भी मात्रा हमने अभी तक पढ़ाया है, चाहे आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसको फिर से आप लोग पूरा पढ़िएगा, रिवीजन कीजिए, ठीक है? पढ़ते रहिए साथ में सब मात्रा लगा लगा के, और वर्क कंप्लीट करते रहिए। ओके, जो हमने समझाया उसको कायदे आपको समझ में आ गया होगा। जो भी लिखिए उसको बोल बोल कर, जब आप बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको याद होगा कि आप कौन सी मात्रा लिखना सीख रहे हैं, लगाना सीख रहे हैं। लेकिन जब तक बोल के नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो जो भी वर्ड लिखिए उसको बोल बोल कर लिखिए। क्या करना है आपको, चाहे वो आ, ई, छोटी, बड़ी, जो भी लिखिए, छोटा हो, बड़ा हो,
सबको बोल बोल कर, मात्रा लगा लगा कर बोल बोल कर लिखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।